नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव स्थिति। मेरे साथ न्यूज रूम में बिहार के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी हैं। स्वागत है आपका संजय जी। आज पटना में विपक्ष की बहुत बड़ी बैठक हुई, मोदी को रोकने की कोशिश शुरू की जा चुकी है और नीतीश कुमार अगुआ बने हैं। नीतीश कुमार आज एक नए अवतार में दिखे, जिन्होंने संपूर्ण विपक्ष को पटना बुलाया और पटना फिर से बदलाव का आगाज कर रहा है। तो नीतीश कुमार, जिन्हें लोग पलटू राम कह रहे थे, नीतीश कुमार जिनके बारे में कहा जा रहा था कि एनडीए से हटते ही वे मिट गए हैं, अब नीतीश कुमार को किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, राजनीति में शब्दों का चयन की छूट तो है लोगों की, लेकिन राजनीति में कोई निष्ठा जैसी चीज तो सबकी नहीं रही है। काल परिस्थिति के अनुसार लोग बदलते रहे हैं और कौन व्यक्ति और कौन पार्टी में लोग नहीं रहे हैं जो इधर से उधर नहीं गए हैं। अभिजीत राम मांझी उपेंद्र कुशवाहा गए हैं। तो अब किसी व्यक्ति को कहेंगे आप कि वो पलट गए या वो, भाई कोई व्यक्ति अगर कोई परिस्थिति ऐसी बनती है और वो दिशा बदलते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि पहले लोग नहीं बदले। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी थी, क्या कांग्रेस पार्टी में बंटवारा नहीं हुआ था? क्या भारतीय जनता पार्टी से निकल करके लोग दूसरी पार्टी में नहीं गए हैं क्या? हर जगह लोग जाते आते रहते हैं, इसलिए हम उसको उस रूप में नहीं देखते। हाँ, इस रूप में मैं देखता हूँ कि एक जो सवाल आपने किया कि जो नीतीश कुमार को ये कहा जा रहा था कि एनडीए ही इनकी ताकत है, एनडीए से ये निकल गए अब इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, वो नीतीश कुमार जिसको कहते हैं ना बाउंस बैक हाँ बाउंस बैक करके इन्होंने दिखाया कि देखिए अगर हम एनडीए में होते तो बस एकमात्र बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर हमारी पहचान थी। आज एक बड़े फलक पर, राष्ट्रीय फलक पर अपनी क्षमता इन्होंने साबित की। क्षमता इस रूप में साबित की कि जब ये लोगों से मिल रहे थे, बात कर रहे थे, तो इन पर तंज कसा जा रहा था कि ये चाय पीने के लिए घूम रहे हैं, लेकिन इन्होंने साबित कर दिया कि चाय पीने के लिए नहीं बल्कि ये गंभीर विमर्श के लिए मैं घूम रहा हूँ। सारे लोगों को इन्होंने निमंत्रित किया और नीतीश कुमार की सफलता मानी जाएगी कि सारे लोगों ने इनके आग्रह को स्वीकार करके एक मंच पर बैठे। ये सबके बस की चीज नहीं थी। कांग्रेस भी अगर चाहती कि हम उन लोगों को अपने साथ बैठा लें, ठीक है, वो अपने प्रदेश अध्यक्ष को बैठा सकती है, मुख्यमंत्रियों को बैठा सकती थी, लेकिन अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री जिनकी पार्टी अलग है, जिनकी विचारधारा अलग है, जिनकी समझ अलग है, जिनकी जमीन अलग है, उनको वो नहीं बैठा सकते थे। या क्षेत्रीय पार्टी में भी पहले भी प्रयास किए थे लोग, लेकिन कहाँ लोग बैठा पाए थे। तो मैं तो मानता हूं कि नीतीश कुमार की एक बड़ी सफलता है और ये नीतीश कुमार इस चाणक्य की धरती से आज तो बिल्कुल उन्होंने असली चाणक्य की भूमिका अदा की, कि वह विपक्ष जो बटा हुआ था, वह विपक्ष जो एक दूसरे पर आंखें तरेरे हुए था, वह विपक्ष जो कह रहा था कि हम एक साथ नहीं आ सकते हैं, हमारी अपनी विचारधारा है, हमारी अपनी सीमाएं हैं, हमारे अपने एजेंडा हैं, हमारे अपने मैंडेट हैं, अगर सबको एक मंच पर लाने में कामयाब हो गए तो मैं मानूंगा कि असली चाणक्य की भूमिका में आज नीतीश कुमार ने अपने को साबित कर दिया कि ये जमीन जो बिहार की है वो चाणक्य का जो डीएनए है वो कहीं ना कहीं इनहेरिट कर रहा है बिहार में, और नीतीश कुमार ने उसको आज साबित करके दिखा दिया। नहीं तो आपने कह दिया कि वो चाणक्य की भूमिका में आ गए, आपने यह भी कह दिया कि इनहेरिट कर रहा है, अब जो नीतीश कुमार नए चाणक्य हैं विपक्ष के, आगे उनकी भूमिका क्या होगी? देखिए, आगे तो कोऑर्डिनेटर के रूप में उनको जिम्मेवारी दी जा सकती है, एक संयोजक के तौर पर उनको जिम्मेवारी दी जा सकती है कि चूंकि आपने पहल की, और देखिए इतिहास भी दोहराता है, ये बिहार नहीं तो 77 में जो एक नया इतिहास रचा था, एक 74 वर्ष का बूढ़ा आदमी निकलता है, आवाज देता है और पूरा देश जो है वो ऊर्जान्वित हो जाता है और वो जो सत्ता में थी कांग्रेस उसको वो विस्थापित करता है, फिर विपक्ष को एक उन्होंने मजबूत आवाज दी है, जमीन वही है, बिहार की ही जमीन है, मिट्टी वही है, और यहाँ से फिर एक इन्होंने आगाज किया है, लगता है कि तस्वीर बदलेगी। तो आपने 77 की बात कर दी, जेपी की बात कर दी, लेकिन मैं ये भी देखता हूँ कि जब इंदिरा गांधी ने कमबैक किया तो उसकी बुनियाद भी बिहार में ही पड़ी, जब बेलछी कांड हुआ
इंदिरा गांधी आई, आपको याद होगा? एकदम याद है, एकदम याद है कि वो इंदिरा गांधी आई और उस अर्धरात्रि में हाथी पर बैठ करके जिस तरह से वो नदी पार करती है जी, और जिस तरह से लोगों के दिलों में वो प्रवेश करती है, उसके बाद वह देश जो इंदिरा गांधी से गुस्सा में थी, वही देश के लोग फिर इंदिरा गांधी को किस तरह से समर्थन दिया सबको पता है। आधी रोटी खाएंगे इंदिरा को, इंदिरा को वापस जिताएंगे। तो वो इंदिरा की जिद थी कि चाहे जिन लोगों की भी हत्या हुई है, जो भी परिस्थितियां हो, कभी वो ट्रैक्टर पर बैठ रही है, कभी हाथी पर बैठ रही है, उस रात के अंधेरे में वो नदी पार कर रही है, वो कीचड़ नुमा गाँव से निकल करके वहां तक वो पहुंच रही है। मैं समझता हूं कि ये बिहार तो क्रांति की भूमि रही है, बदलाव की भूमि रही है, और निश्चित रूप से अगर इसका आगाज हुआ है तो परिवर्तन की संभावना से इनकार तो नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। लेकिन देखिए, अमित शाह कह रहे हैं कि बिहार की 40 सीटें, लोकसभा की 40 सीटें, 40 की 40 सीटें। अब देखिए, अमित शाह भी आ रहे हैं 29 तारीख को लखीसराय में, मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में। पहले उनकी सभाएं सीमांचल में हुई, फिर नवादा में हुआ, वैशाली में हो चुका है। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से गोलबंदी हो रही है तो बीजेपी जो चाहती है 40 का 40 संभव हो पाएगा? मुझे तो नहीं लगता है। ठीक है, लोकतंत्र में आए, सभाएं करें और अपने कार्यकर्ताओं को वार्म अप करने का सबको अधिकार है जे। लेकिन जो गणित है आपका, उस गणित में अगर आप सवालों से घिर जाते हैं तो फिर तो कर्नाटक वाला स्थिति हो सकती है आपके सामने। चूंकि मैं फिर दोहरा रहा हूं कि अगर ये विपक्ष मुद्दों पर अगर घेरने में कामयाब हो जाती है भारतीय जनता पार्टी को, तो इस पर इनका कोई जवाब नहीं है। महंगाई से हम और आप दोनों प्रभावित हैं, क्या बिहार की जनता प्रभावित नहीं है? रोजगार क्या मिला नौजवानों को? रोजगार के सवाल पर ये कन्विंस कर पाएंगे? तो मुद्दों पर अगर घेरने में विपक्ष कामयाब हो जाती है तो ये जो 40 का 40 का जो दम्भ भर रहे हैं कि हम 40 सीटें ले लेंगे बिहार में, लोकतंत्र में जनता तय करती है चीजों को, ना आप कौन होते हैं तय करने वाले कि हम 40 ले लेंगे और उनको हम सिरे से खारिज कर देंगे, ये तो जनता तय करेगी। तो अगर विपक्ष जिस तरह से मुद्दों को लेकर के मुखर है और जनता तक वो मुद्दों से कनेक्ट हो गई, तो शायद बीजेपी जो सोच रही है वैसा बिहार में नहीं दिखे। फिर बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ है, इनकी ताकत तो है ही और माले तो है ही, अब तो माले भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वामपंथी पार्टी कह लीजिए ना, माले का तो स्ट्राइक रेट इतना बढ़िया रहा कि उनको 16 सीट दिया गया, 12 जीत करके आ गए, स्ट्राइक रेट उनका बहुत अच्छा रहा। तो वामपंथी जिनकी जमीन तक पहुंच है, लालू यादव की पार्टी आरजेडी आज भी इस उम्र में भी, जब ममता बनर्जी ने कहा ना कि आज भी वो लालू यादव जो हैं वो लड़ने की स्थिति में, बिल्कुल। तो अगर वो जनता से कनेक्ट हो जाते हैं, नीतीश कुमार जिस तरह से संजीदा होकर के बिहार में काम किया है, अगर ये जनता से कनेक्ट होने में ये लोग कामयाब हो गए, तो ये बीजेपी जो कह रही है, कहने का अधिकार है लोकतंत्र में, बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन परिणाम वैसा कुछ होगा नहीं। मतलब 1-to-1 फाइट हो जाए तो बिहार की हर सीट पर लड़ाई दिखाई पड़ेगी, मजबूत लड़ाई अभी भी दिखाई पड़ रही है कि 354 सीटें ऐसी हैं जो चिन्हित कर लिए हैं पूरे देश की, जो 354 सीटों पर अगर विपक्ष एक उम्मीदवार उतार देती है तो डायरेक्ट फाइट देगी और वहां कहना मुश्किल हो जाएगा कि वो सीट किसके हिस्से में जाएगी। तो 354 जब इन लोगों ने चिन्हित करके और उसको ये कर लिया है, फिर वो संभावना बिहार में भी हो सकती है। तो आपने समझा कि देखिए, नीतीश कुमार का नया अवतार चाणक्य कहा डॉक्टर संजय कुमार जी ने, तो अब नीतीश कुमार आगे चलकर क्या कर पाते हैं, क्या होता है, देश की राजनीति है, कितनी चुनौती मिलती है, कितने असरदार होते हैं, कितने बेअसरदार होते हैं, यह देखने की बात होगी। समय है, राजनीति में तीना फैक्टर काम नहीं करता है, देयर इज नो अल्टरनेटिव वाली कोई बात नहीं होती है, इसलिए चेहरे सामने आ ही जाते हैं, चेहरा कौन होगा यह आगे की बात है। तो आप देखते रहिए लाइव स्थिति को, यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्थिति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख गए तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।